सो फ्रेंड्स, आज हमें कुर्ला फिश मार्केट में विजिट करने वाले परी फिश एक्वेरियम की नई शॉप को, जहां पे आपको मॉन्स्टर फिश की बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलने वाली है। कुर्ला रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे इनकी शॉप है, ये देखिए, और इसी के पीछे इनकी ओल्ड शॉप है। चलिए तो मिलते हैं आरिफ भाई से। सो फ्रेंड्स, आज हमें परी फिश एक्वेरियम 2 की शॉप में, और फिर से एक बार आरिफ भाई हमारे साथ में है, और आरिफ भाई हमें बताने वाले हैं कि उनके जो परी फिश एक्वेरियम 2 का जो शॉप है, वहां पे कौन सा स्टॉक है फिश का। तो आरिफ भाई, सबसे पहले आप लोग का स्वागत करूँगा मेरे परी एक्वेरियम 2 के शॉप में। ये वाली मेरी बाहर की शॉप है परी एक्वेरियम 2। यहाँ पे देखेंगे, मैंने अभी आज ये रेड ऑस्कर जो आप लोग ने देखा था मेरे पास, काफ़ी टाइम के बाद फिर से रिटर्न आया, ये सुपर रेड आगे से पीछे तक पूरा लाल ही है, ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा RTG है मेरे पास यहाँ पे, कैनो फार्म का ये। इसके अलावा सिल्वर अरवाना वगैरह, बड़ा साइज छोटा साइज ऑल साइज में अरवाना अवेलेबल है। मॉन्स्टर में बहुत सारी फिशेस हैं। हाँ, इसके अलावा पिकॉक बास में थोड़ा बड़ा साइज मिलेगा आप लोगों को। ओके, पिकॉक बास का भी है ना इधर? हाँ, एक 4 इंच या 5 इंच का साइज है लोग का, ये बड़ा साइज का पिकॉक बास है। इसके अलावा एंजल में काफ़ी अच्छी वैरायटी का एंजल अवेलेबल है यहाँ पे। कोई एंजल जो बोल रहे थे आप आरिफ भाई? ये कोई एंजल है, बहुत ही प्यारा है। इसके अलावा यहाँ पे और एंजल की वैरायटी अवेलेबल है, मनकापुरम टैक्सीडो और BSP एंजल यहाँ पे देखेंगे ये। इसके अलावा यहाँ पे रिलाइज में सेंटा क्लॉज एंड टैंजरीन है। अभी भाई, आपने बोला था कि जो टाइगर पैरोट करके एक नया फिश लाया आपने, पैरोट में थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है, तो वो भी अपने यही शॉप में है ना? हाँ, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था टाइगर पैरोट मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखेंगे ये टैंक में आपको तो टाइगर पैरोट। हाँ, ये बड़ा सा इसका टाइगर पैरोट है, अच्छा सा, मिनिमम एक समथिंग 6 इंच का साइज रहेगा इनका, और इसमें येलो और रेड दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो आरिफ भाई, वन बाय वन सभी फिशेस हम देख लेते हैं जो भी आपके पास में अवेलेबल है, और सभी फिश को कवर करके हम बाकी आपके पास में फिश टैंक वगैरह भी है ये शॉप में, उसको भी थोड़ा कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फिश से। बेटा फिश में हमारे पास अभी एलिफेंट ईयर की फीमेल वगैरह आई हुई है रिसेंटली। ईयर की फीमेल आ चुकी है आरिफ भाई ने, एलिफेंट ईयर की फीमेल की बहुत सारी लोगों का मैं डिमांड थी और के बोले भाई एलिफेंट की फीमेल चाहिए थी, एलिफेंट के मेल भी अवेलेबल है हमारे पास में। ओके, तो फीमेल का प्राइस कैसा है भाई? फीमेल समथिंग आपको 200 ईच में मिलेगा, 200 रुपीज़ ईच में मिल जाएगा। नॉर्मल फीमेल के मुकाबले में ये फीमेल ज़्यादा एक्टिव रहती है और ज़्यादा मूविंग, ज़्यादा फास्ट करती है। okay. आप लोग को वीडियो में नज़र आ रहा रहेगा, काफ़ी खूबसूरत दिखते ही है। ओके, बहुत ही तो अरे भाई, यहाँ पे एलिफेंट के मेल दिख रहे हैं। हाँ, आपको जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये एलिफेंट ईयर के मेल है, और आपको जो पहले बताया था वो फीमेल है। तो इन लोग के प्राइसेस में आप लोग को बताया था 250 ईच के हिसाब से आपको मेल मिलेगा, 200 रुपीज़ में आपको फीमेल मिलेगी, मतलब समझिए तो 450 रुपीज़ में आपको मेल फीमेल बहुत दोनों मिल जाएगी। किसी को ब्रीडिंग करना है तो बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन उनको मिल जाएगा, है ना? और इसके अलावा मस्टर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है मस्टर्ड में। फुल मून में रोस्टेल बेटाज है, इसको फुल मून बोलते हैं, पूरा खुलता ही है, तो काफ़ी लोग इसको डबल टेल भी बोलते हैं, तो ये वैरायटी अवेलेबल है। कितने का मिल जाता है? 200 रुपीज़ इच में आपको मून टेल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले 150 रुपीज़ रेट में आएंगे आपको। और इसके अलावा ब्लैक कलर का क्राउन भी अवेलेबल है। क्राउन भी है आरिफ भाई? हाँ, ब्लैक कलर का क्राउन है, 200 रुपीज़ ईच में आ जाएगा आपको, 200 रुपीज़ ईच में मिल जाएगा, है ना? इसके अलावा काफ़ी तो आरिफ भाई, अरवाना का ये वाले यानी जैसे कि परी एक्वेरियम 2 के शॉप में मॉन्स्टर फिश का बहुत सारा कलेक्शन रहता है, तो मैं यहाँ पे अरवाना फिश को पहले कवर करना चाहूँगा, क्योंकि अरवाना फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में यहाँ पे। ये अरवाना रेड टेल गोल्डन अरवाना है, मलेशिया फार्म का, 9000 रुपीज़ में आपको आएगा, 9000 रुपये में। ये वाला 9000 रुपीज़ में मिलेगा, है ना? बहुत ही प्यारा दिख रहा है भाई ये। और इसी के अंदर में और ये वैरायटी 12 इंच का साइज का सिल्वर अरवाना है उसमें। ओके, ये वाले वो वाले आपको 2500 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, 2500 रुपीज़ इंच के हिसाब से मिल जाएंगे, है ना? और अरे भाई, इसमें बाजू में दिख रहा है ये, यहाँ पे भी सिल्वर एंड गोल्डन हाई बैक है। ओके, ये वाला गोल्डन हाई बैक है। हाँ, ओके, इनके प्राइसिंग ये वाले आपको 9000 रुपीज़ में ये भी मिल जाएगा, गोल्डन हाई बैक भी। ओके, ये वाला गोल्डन हाई बैक मिलेगा 9000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से। तो अरे भाई, ये वाला बहुत ही बड़ा सा अरवाना दिख रहा है। हाँ, ये समथिंग 1.25 फुट का अरवाना है ये, तो ये वाला आपको आ जाएगा 3500 रुपीज़ में। और इसमें ये जो फिश है ये बाला शार्क है, सिल्वर शार्क, बड़ी साइज की सिल्वर शार्क है, आप इसको अरवाना के साथ में भी रख सकते हो जैसे कि आपने रखा है। हाँ, ये 300 इंच के हिसाब से आएगी, 300 रुपीज़ इंच के हिसाब से मिल जाती है। और अरे भाई, इसमें एक छोटा सा अरवाना दिख रहा है,
ये गोल्डन पर्ल अरवाना जार्डिनी है। ओके, 5 से 6 इंच का साइज़ है इसका, आपको 5000 रुपीज़ में आएगा। ये 5000 रुपीज़ में मिलेगा, है ना? और अरे भाई यहाँ पे ये मॉन्स्टर में फिशेज दिख रही है, ये पिकॉक बास है, बड़ी साइज़ की, मिनिमम 4 से 5 इंच की साइज़ है, 500 रुपीज़ में आएगा। 500 रुपीज़ में एक मिल जाएगा अपने को, है ना? इसका साइज क्या होगा अरे भाई? लगभग 4 से 5 इंच का साइज़ है। इसको अरवाना के साथ रख सकते हैं आप? सिल्वर अरवाना में रख सकते हैं। इसमें भी रखा है अरे भाई का अरवाना, उसमें वो गोल्डन पर्ल अरवाना रखा है। ओके, इसका प्राइस वही 5000 रुपीज़ में आएगा। ओके, और इसके अंदर में ये छोटे जो फिश रखे हैं नीचे लेपोनियस, वो लेपोनियस हैं। ओके, इनका प्राइस कैसे आ रहा है? केवल आपको 400 इंच में आएगा, 400 रुपीस इंच के हिसाब से मिलेगा। ये भी मॉन्स्टर में रख सकते हैं, मॉन्स्टर में आप रख सकते हैं अरवाना वगैरह के साथ। बहुत बढ़िया, आपने ये कॉम्बिनेशन भी करके दिखाया है इधर में, ग्रेट। और यहाँ पे अरे भाई ये दिख रहे हैं ऑस्कर है, बड़े साइज के, 5 से 6 इंच का साइज है लोग का, आपको 500 रुपीज़ इच में आएगी, इम्पोर्टेड ऑस्कर है। ओके, 500 रुपीज़ इच के हिसाब से मिल जाएगी। यस, और ये रेड वाला जो दिखाया था ये तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, सुपर रेड ऑस्कर। सुपर रेड ऑस्कर, इसका मुंह से लेके टेल तक का पूरा रेड कलर होता है। हाँ, ये वाले 250 इच के हिसाब से 500 रुपीज़ पैर में आपको आ जाएगा। 200 रुपीज़ इच के हिसाब से, 250 पर पीस के हिसाब से, 250 रुपीज़ पर पीस, 500 रुपीज़ पैर। और इनको अरे भाई नॉर्मल वाले ऑस्कर के साथ रख सकते हैं क्या? कोई भी ऑस्कर में रख सकते हैं आप इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्कर जैसा ही है, बस फुल रेड है। यस, और अभी भी ये वाले ऑस्कर यहाँ पे मोज़ेक एंड फायर रेड ऑस्कर एंड कॉपर है। आपको पेरिंग में लेके तो 600 पर पैर में मिल जाएगा, 600 रुपीज़ पैर में मिलेगा ना? यस, थोड़ा बड़ा साइज है क्या? हाँ, उसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा ही है, 4 इंच या 5 इंच का साइज। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टाइगर ऑस्कर है। इनका कैसा प्राइस है? ये आपको 800 रुपीज़ पैर में आएगा। ओके, 6 इंच का साइज है, 6 इंच का साइज है अरे भाई ये। हाँ, अच्छा खासा बड़ा साइज है अरे भाई। ये वाला कौन सा अरवाना है? ये RTG है, रेटेल गोल्डन अरवाना, क्यानो फार्म का। हाँ हाँ, 13000 रुपीज़ में आएगा, 10 इंच का साइज है इसका, 13000 रुपये का। हाँ, 10 इंच का साइज है। अच्छा, यानी बड़ा साइज है थोड़ा। हाँ, और अरे भाई इसके बाजू में जो दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे बड़े अरवाना है, बड़ी साइज में 5000 रुपीज़ में आएगा। ओके, और इसके अंदर ये जो आपको पल अरवाना नजर आ रहा है बड़े वाला, 8000 रुपये में आएगा। 8000 रुपये, बहुत बड़ा है ये। और इसमें और भी बहुत सारी फिशेस है, जैसे कि ये डॉलर है, कितने तक मिल जाते हैं? डॉलर लेंगे तो आपको आ जाएगा 500 रुपीज़ के हिसाब से, फुल साइज है, बिगर साइज। ओके, और ये वाला पिराना एल्बिनो पिराना रेड है। तो अरे भाई ये ऐसा अगर किसी को टैंक बनाना है बड़े में, तो कौन कौन सी और फिशेस इसमें ऐड कर सकते हैं? इसके अंदर आप रेटल कैटफिश डाल सकते हो, पिकॉक बास डाल सकते हो, डॉलर डाल सकते हो, पिराना डाल सकते हो आप इसके अंदर, डेडनॉइज डाल सकते हो, मॉन्स्टर में आप मच्छियाँ रख सकते हैं, आपका टैंक का बड़ा साइज रहेगा। तो इस तरीके से अच्छा खासा बड़ा साइज आप बना सकते हो यानी टैंक का। तो अरे भी यहाँ पे फ्लोहन भी दिख रहा है, इसका कैसे प्राइसिंग है? ये 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से आएंगे, 1500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलेगा, है ना? इसके अलावा मेरे पास ए ग्रेड के, ट्रिपल ए ग्रेड के मॉन्स्टर कॉक भी है, वो आपको 1800 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएंगे। और आपको थोड़े हल्के कैटेगरी के चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ओके, और इसका कौन सा ग्रेड है अरे भाई? ये थोड़े सिमिलर है बट ए ग्रेड नहीं है। ओके, और ये मिल जाते हैं 1500 रुपये। अरे भाई यहाँ पे फ्लोहॉर्न की बहुत ही प्यारी सी वैरायटी दिख रही है, SRD का फ्लोहॉर्न है ये, 1600 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा ये वाला, 1600 रुपये पर पीस। यस, बहुत बढ़िया अरे भाई। और जैसे कि अपने पास में बड़े फ्लोहॉर्न्स है, वैसे अपने पास में क्या छोटे भी रखे हैं? स्मॉलर साइज के भी फ्लोहॉर्न अवेलेबल है। अरे भाई ये वाले छोटे फ्लोहॉर्न है, छोटे फ्लोरों ने आपको अच्छे हेड वाले पार्टीशन में रखेंगे तो हेड ग्रोथ होगा इन लोग का, 200 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएगा, साइज़ मिनिमम 2 से 2.5 इंच का साइज़ है। ओके, 2.5 इंच। और अकेले रखना है अरे भाई इनको? सिंगल रख के हीटर लगा के स्पंज फिल्टर लगाएंगे तो हेड ग्रोथ होगा। ओके, और इसके बाद में ये KML की वराइटीज़ है। ओके, 300 इंच में आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा बड़ा साइज दिख रहा है। हाँ, अलग वराइटी है, KML में मिल जाएगा। तो अरे भाई अपने पास में चिकलेट फिश की भी वैरायटीज देखने को मिलती है यहाँ पे, चिकलेट में पैरेट एंड चिकलेट अवेलेबल है मेरे पास। इसमें कौन कौन से टाइप के चिकलेट्स है अरे भाई? इसमें ऑल मिक्स वैरायटी है, बाई कलर वगैरह, फायर माउथ वगैरह, इलेक्ट्रिक ब्लू वगैरह, हर वैरायटी अवेलेबल है इसमें। और इसमें मच्छी ऐड होती रहती है, ज्वेल वगैरह, विनस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। दो टाइप के प्राइस है मेरे पास, छोटा साइज़ का 100 रुपीज़ इच है, बड़े साइज़ का 125 रुपीज़ इच है, 250 रुपये जोड़ी और 200 रुपये जोड़ी में आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये चिकलेट अगर रख रहे हैं तो आप रिकमेंड करते हो कि चिकलेट की ही वैरायटीज रखी जाए? चिकलेट के अंदर आप पैरेट डाल सकते हो, बट बहुत से लोग इसके अंदर ऑस्कर डाल देते हैं तो लोग ऑस्कर को मार देते हैं,
तो ध्यान रख के इसके साथ में आपको रखना है तो आप स्कैट रख सकते हैं ये वैरायटी। ओके स्कैट रख सकते हैं। हाँ स्कैट एंड मोनो एंजल वगैरह चल जाता है इसके अंदर में। ओके इसके अंदर में आप पैरेट डाल सकते हो वो भी रह जाता है। पैरेट भी रह जाएगा है ना। यस और स्कैट का भी बहुत ही प्यारा सा वैरायटी दिख रहा है अभी भाई, इनका कैसा प्राइसिंग है? स्कैट ये बड़े साइज के हैं। हाँ तो स्कैट का अरे भाई कैसा प्राइसिंग है? स्कैट 250 इंच के हिसाब से 500 रुपीज़ पेयर में आपको मिल जाएगा। 500 रुपीज़ पेयर में मिल जाएगा है ना। yes. अच्छा खासा बड़ा साइज है। हाँ भाई यहाँ पे एलिगेटर फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है। ये स्पॉटेड एलिगेटर गा रहे शॉर्ट नोज में, ये वाले लेगा आपको 1000 रुपीज सिंगल इंच के हिसाब से आएगा। okay. मिनिमम इसका चेंज का साइज है। और अरे भाई इनको किन के साथ में रखना है? इसके टैंक में एक्चुअल जाइंट फिश है, मॉन्स्टर है ये, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है इसके अंदर रखने के लिए मच्छी। तो बहुत से लोग जो अरवाना के साथ में डाल देते तो ये अरवाना को मार देते हैं लोग। ओके तो आप लोग को थोड़ा सा बचपन में इसका केयर करना पड़ता है, तो प्लीज इसके साथ बचपन में ना डालें। अगर आप बॉटम ईटर में कुछ रखना चाहते हो तो आप इसके अंदर कैटफिश वगैरह डाल सकते हो। और इसके अलावा इसके अलावा आप बड़ी साइज़ के आप डॉलर वगैरह या फिर पुराना डॉलर डाल सकते हैं इसके अंदर, बाला शाक वगैरह डाल सकते हैं जो हार्मफुल नहीं है, इन लोग को मारे नहीं, क्योंकि ज़्यादा मूवेबल फिश नहीं है, एक जगह पे खड़ी रहती है। हाँ स्टेबल है और साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मिनिमम 4 फीट तक का चले जाता है इसका। और नॉनवेज खाने वाली मच्छी है, आप इसको चिकन हार्ट वगैरह या फिर आप इसको खाने वाली मच्छी जो आप लेते घर में उसके पीसेस करके भी, छोटे छोटे पीसेस करके भी आप इसको फ्रीज़र में करके रख सकते हो, डाल सकते हो। मॉन्स्टर में हमने कैटफिश भी रखा है ना, रेटल कैटफिश है। ओके इनका 6 इंच का साइज है लोग का, ये वाले आपको 600 इंच के हिसाब से आएंगे। 600 रुपीज़ इंच के हिसाब से मॉन्स्टर में रखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिश है ना। बॉटम ईटर फिश है आपका, वेस्टेज फूड या फिर आप नॉनवेज वगैरह डालते हो तो नीचे जो गिरा हुआ रहेगा लोग खा लेते हैं। मैं थोड़ा सा एंजल फिश को कवर करना चाहूँगा क्योंकि ये वाले शॉप में एंजल फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है। यहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा सा एंजल फिश का कलेक्शन दिख रहा है, ये कौन से टाइप के एंजल्स हैं? यहाँ पे ये मिक्स लॉट में एंजल है, इसमें ब्लू एंजल है, स्मोकी एंजल है और मार्बल एंजल और स्कार एंजल मिक्स है इसके अंदर, कोई एंजल भी है इसके अंदर। ये वाले लेंगे तो आपको 150 इंच के हिसाब से आएगा। साइज इन लोग का बड़ा है, मिनिमम 3 इंच का साइज है लोग का। ओके ये कितने तक मिल जाता है? 300 रुपीज़ फॉर पेयर में मिल जाए। 300 रुपीज़ पेयर में किसी को ब्रीडिंग करना है तो आराम से कर सकता है। अच्छा खासा बड़ा साइज है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आरी भाई और भी एंजल है अपने पास? हाँ इसके अलावा अभी कोई एंजल इम्पोर्टेड वैरायटी में। तो आरी भाई ये वाले एंजल फिश की बात कर रहे थे आप, कोई एंजल? ये कोई एंजल है, आप लोगों ने काफ़ी बहुत सारे एंजल्स देखे रहेंगे जो इतने कलर में नहीं होते हैं और ऑर्डिनरी कलर में हल्का सा येलोइश कलर रहेगा तो भी उसको कोई एंजल बोलते हैं, बट ये एक रेट का अच्छा क्वालिटी का एंजल है। ये वाले आपको 500 रुपीज़ पेयर में मिलेगा, साइज़ मिनिमम 3 इंच का इसका। ओके और कलर्स भी कितने प्यारे दिख रहे हैं आरी भाई, अगर टैंक में रखेंगे सिर्फ एंजल का भी कलेक्शन रखेंगे तो भी टैंक कलरफुल लगेगा है ना। हाँ और इसके अलावा भी मेरा BSP एंजल भी अवेलेबल है। यहाँ पे ये वाले जो एंजल है आरी भाई, ये BSP एंजल है, बल्गेरियन सील पॉइंट और इसके अंदर मन्नाकापुरम रेड शोल्डर एंजल है। ओके ये वाले 200 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएगा आपको, 3 इंचेस का साइज है तो मतलब 400 रुपीज़ पैर में आपको मिल जाएगा। ओके बहुत ही प्यारा एंजल कलेक्शन लाया आरी भाई इसमें। और अरे भाई यहाँ पे फिर से एंजल फिश का कलेक्शन दिख रहा है हमें, हाइफिन मार्बल एंजल। ओके हाइफिन मार्बल एंजल एक्चुअल आप लोगों ने नॉर्मल एंजल देखा रहेगा मार्बल में, वो आपको 40 से 30 रुपए के पैर में मिल जाते हैं। अगर आप डजन में लेते तो उसको 254 डजन में आता है नॉर्मल वाला, बट ये हाइफिन बड़ा साइज का लोग का टेल होता है, बॉडी छोटी रहती है लोग की, तो ये वाले अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो 100 रुपीज़ में आएगा आपको। अगर आप डजन में लेंगे तो आपको समथिंग 500 डजन में आ जाएगा। तो अरे इसमें जो प्लैटिनम एंजल है इनका कैसा प्राइसिंग है? प्लेटिनम एंजल आपको 150 रुपीज़ पैर में आ जाएगा, साइज इसका मिनिमम 2 इंच या 2.5 इंच का साइज है। ओके तो ये मिल जाएगा अपने को 150 रुपीज़ में। ये वो सेंटा क्लोज है। ओके वो रेडाइज में है, इम्पोर्टेड सेंटा क्लोज है ये, नॉर्मल सेंटा क्लोज आप लोग ने देखा रहेगा इतना डार्कनेस और इतना वाइट उसका कलर नहीं होता है, ये अच्छी क्वालिटी का। अगर आप डजन में लेंगे तो आपको 454 डजन में मिलेगा, अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो 150 रुपीज़ में आएगा। तो अरे ये वाला कौन सा फीस है? यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है रेड शिवरम, रेड शिवेरियम सिगलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। 200 रुपीज़ इंच के हिसाब से आपको आएगा, 200 रुपीज़ इंच में मतलब 400 पे में आ जाएगा रेड शिवरम। ये वाले हाँ ये वाले आप उसको आपके टैंकमेट्स के बता देता हूँ, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम रहेगा। आप इसको ऑस्कर के साथ में और अरवाना के साथ में आप इसको चिकलेट के साथ में भी रख सकते हो,
चिकलेट फैमिली से बिलोंग करता है, सेमी एग्रेसिव है। मतलब ये जो मलावी है, मलावी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो ये सेमी एग्रेसिव है, आप इसको इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे पैरट फिश दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा है कॉम्बिनेशन, यानी इनका जो पैटर्न है और दिखने में भी यूनिक है। और आपने यानी मैंने तो पहली बार देख रहे हैं, तो इनका कैसा प्राइस है अरे भाई? टाइगर पैरेट है, 6 इंच का साइज है लोग का मिनिमम, ये आपको 2000 रुपीज़ इंच के हिसाब से पड़ेगा। 2000 रुपीज़ इंच। और इसमें दो कलर है क्या रे भाई? इसमें येलो एंड रेड है, और मेरे पास ये बड़े साइज के भी पैरेट है प्लेन में। ओके ये मिक्स लॉट है। टाइगर पैरेट लेंगे तो आपको 2000 इंच के हिसाब से मिनिमम 6 से 7 इंच का साइज है इसका। हाथ के पाम से थोड़ा छोटा सा। ओके तो ये आपको बेस्ट प्राइस है। अगर आप मॉन्स्टर टैंक आपने बना रखा है, आपके पास सभी पैरेट अवेलेबल है, और आपको कुछ हट के पैरेट डालना है, तो आप ये पैरेट डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ओके और आरे भाई इसमें नॉर्मल वाले भी पैरेट है बड़े साइज में? हाँ नॉर्मल पैरेट है 2500 रुपीज़ में, जो बड़े साइज के है। ओके और आरे भाई इसमें एक फ्लॉहन है, फ्लॉहन दिख रहा है, ये 800 रुपीज़ में आ जाएगा आपको। नॉर्मल पैरेट भी आपने रखे हुए हैं? येलो एंड रेड पैरेट है, ये वाले आपको 300 to 700 में मिल जाएगा। 300 to 700 में। चिकलेट के साथ में आपको इसको रखना है। ओके चिकलेट के साथ, अदर कोई भी फिश के साथ नहीं रखना है? अदर फिश के साथ में ऑस्कर के साथ रहता है, बट ऑस्कर की साइज़ बड़ी रहना चाहिए और पैरेट की साइज़ छोटी रहना चाहिए। ओके अगर आप जाइंट में अरवाना आपके पास बड़ा है तो आप उसके साथ में भी रख सकते हैं। वाली गप्पी फिश है अपने पास में? हाँ ये गप्पी है, बड़े टेल वाली गप्पीज है ये। हाँ हाँ आपको 75 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगी। ओके 75 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। बहुत ही प्यारा अरे भाई ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा सा लाया आपने। ये फेरी टेल वाले बड़े टेल बोलते हैं, बटरफ्लाई टेल ये है, और इसके अलावा भी दूसरी कपड़ी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे मेल फीमेल में। ओके तो ये वाली है अरे भाई? हाँ मेल फीमेल बहुत है, अगर आप डजन में लेंगे तो 500 डजन में आएगा। ओके ये वाला मेल फीमेल है, ब्रीडिंग करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी फिशेस है। ग्रेट, लेकिन अरे भाई ये वाली फिश मुझे बहुत ही पसंद आई। ये बटरफ्लाई टेल गप्पीज है, इन लोग के टेल पीछे से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है तो आप ओनली फॉर मेल डाल के, आपको ब्रीडिंग नहीं करना तो भी आप इसको रख सकते हैं। ओके तो अरे भाई ये वाले कौन से टाइप की गुरामी फिश है? ये 2 से 2.5 इंच के साइज़ में ये गुरामीज है, इम्पोर्टेड वाली ड्रॉप गुरामी। ओके ये वाली 150 इंच के हिसाब से आएगी आपको, इम्पोर्टेड गुरामी 150 रुपीज़ इंच के हिसाब से आ जाएगी। तो इनको तो आप मोस्ट ऑफ द फिशेस के साथ में रख सकते हो ना? मैंने कैटफिश के साथ में रखा, आप देख सकते हो ये वाला कॉरी कैटफिश है ना। हाँ बहुत ही प्यारा, इनका कलर ऐसे ही रहेगा अरे भाई? इनका कलर नहीं जाता भाई, आर्टिफिशियल नहीं है ये, तो थोड़ा नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर है, ग्रेट। और अरे भाई यहाँ पे कोरी कैटफिश दिख रहा है? यहाँ पे 3 टाइप की कोरी अवेलेबल है, ग्रीन में, स्टर्वी में और पंडा में। ओके ओके तो इसके अंदर एक जूली कौरी भी है, जूली कौरी मतलब 4 वैरायटी के कौरी अवेलेबल है इस टैंक में। आप लोग को प्राइस बताया था मैं, ग्रीन कौरी लेके तो आपको 154 पैर में आएगा, और स्टर्बी लेके तो आपको 250, पांडा लेके 250 और जूली लेके 250 के पैर के हिसाब से आएगा। ग्रेट आरिफ, गोल्ड फिश का भी कलेक्शन रखा है आपने यहाँ पे? गोल्ड फिश में मेरे पास वरांडास, ब्लैक वरांडा, ब्लैक गोल्ड और रेड कैप गोल्ड है इसके अंदर, और नॉर्मल गोल्ड भी इसके अंदर है। स्टार्टिंग मेरे पास 80 रुपीज़ से स्टार्ट इसके अंदर रेड कैप में, छोटे साइज में, और इसके अलावा 300 रुपीज़ से पैर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ओके इसमें से कोई भी बाय करो तो यानी कम से कम 80 रुपीज़ से उसका स्टार्ट है, अलग अलग डिपेंड ऑन द वराइटीज़ का इसका प्राइस है। हाँ ये विदाउट एट्राज है फ्लोरोसेंट में, और ये वाले आप डजन में लेंगे तो 400 डजन में आपको मिल जाएगा। 400 रुपीज़ डजन में? येलो का साइज मेरे 2 इंचेस का है, अच्छी क्वालिटी के, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसके ऊपर नेक्स्ट मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको मिलेगा वो वीडियो देखने के लिए जल्दी से। इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, अच्छा टेट्रा है, बट आप इसको नियॉन टेट्रा वगैरह के साथ में ना रखें। ओके ओके अरे भाई बहुत ही प्यारे से कलर दिख रहे हैं इसके। फिर नियॉन टेट्रा 250 डजन में, 250 रुपीज़ डजन डजन के हिसाब से मिल जाएगा ना? अच्छा खासा बड़ा साइज है इसका? हाँ स्मॉल साइज से थोड़ा बड़ा, मीडियम प्लांटेड में रखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट। प्लांटेड के टेट्राज ऑल वैरायटी बेस्ट है, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में। और आदि भी ये वाले जो फिशेस है, ये जो आपके स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है वो है एम्परर टेट्रा। हाँ हाँ 450 डजन में आएगा। ओके और इसमें चेरी बाब है क्या? मोंटेमिनो, मोंटेमिनो। हाँ कितने का मिल जाता है ये वाले? आपको 300 डजन में आएंगे, बड़ा साइज है एकदम स्मॉल, बारीक साइज जो चिन्नागड़ा आता है वो 250 के रेंज में आता है, ये 300 डजन में आपको आएगा। ओके और होल्ड भाई
तो आरी भाई, ये वाला जो कार्डिनल दिख रहा है थोड़ा सा यानी अपना नॉर्मल कार्डिनल से अलग दिख रहा है। अल्बिनो कार्डिनल है ये। ओके, अल्बिनो वाला है। हाँ, एक नॉर्मल कार्डिनल आता है वो 500 डजन में आता है, और ये वाला लेके तो आपको 700 डजन में आएगा। ओके, अल्बिनो वाला है करके। ओके, ग्रेट, रेयर वैरायटी अल्बिनो। हाँ हाँ, और आरी भाई ये वाला जो है हाफ बिग है। ओके, 75 पपीज के हिसाब से आएगा। 75 प्लैटिनम हाफ बिग, प्लैटिनम वाला है ना। हाँ, प्लांटेड में रख सकते हैं ना, प्लांटेड का पीस। अरे भाई, इसमें बोस्मानिया रेनबो दिख रहा है। बोस्मानिया रेनबो है इसमें, आप सही बोले। बोस्मानिया रेनबो आपको 200 ईच में आ जाएगा। इम्पोर्टेड बोस्मानिया है। नॉर्मल बोस्मानिया में आपको कलर नज़र नहीं आता है। जो लोकल रहते हैं जैसे कलकत्ता एंड चेन्नई एंड केरला, वो उसमें इतना कलर डार्कनेस नहीं होता है, बट ये इम्पोर्टेड है। ये जब प्लांटेड में अच्छा कलर शो करते हैं। और इसमें जो अभी ये प्लांट है, ये अनुबियस का प्लांट है। अनुबियस गोल्ड, अनुबियस आपको 350 भी शूट के हिसाब से आएगा, विदाउट सॉइल में लगने वाला प्लांट साहब। यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रिस्टल नोज जो होता है उसके मुकाबले में हाइफिन ब्रिस्टल नोज है, 200 ईच में आएगा। नॉर्मल ब्रिस्टल नोज समथिंग 125 के हिसाब से आता है, टेल छोटा होता है, बट ये वेलटेल वाला है तो आपको 200 रुपीज़ ईच में आएगा। अभी भैया यहाँ पे रमिनोस टेट्रा दिख रहा है, रमिनोस टेट्रा आप लोग को डजन में लेंगे तो 450 रुपीज़ डजन में आएगा। छोटे से जो स्मॉल साइज जो चिन्नागड़ी आती है बारीक वाली, वो वाले आपको समथिंग 400 में आ जाते हैं, बट ये वाला थोड़ा मीडियम साइज़ है, ये आपको 450 डजन में आएगा। मैच्योर साइज़ है ये, मॉर्टेलिटी के चांसेस इसमें कम रहते हैं। और अरे भाई यहाँ पे ब्लैक गोस्ट दिख रहा है, ये कैसा प्राइस है? 4 इंच का साइज़ का ब्लैक गोस्ट है ये। हाँ ओके, 200 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएगा, बड़ा साइज़ का है, 400 में पैर आ जाएगा ये ब्लैक गोस्ट। अगर आप ब्लैक गोस्ट का टैंक सेट करना चाहते हो तो काफ़ी बेस्ट है, 500 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएगा ये वाले। 500 रुपीज़ इंच प्लैटिनम एंड जेड ब्लैक रेड आइज है वो, और ये जेड ब्लैक में नॉर्मल शार्क और ये शार्क के मुकाबले में दोनों में डिफरेंट है। आपको नॉर्मल वाला शार्क भी बता देता हूँ मैं वीडियो में। सॉरी भाई, ये वाले नॉर्मल शार्क है। हाँ, तो इनका करके प्राइस कितना है? ये वाला आप अल्बिनो वाला लेंगे, अल्बिनो रेड आइज में है ये वाले, ये वाले लेंगे तो आपको 500 रुपीज़ पैर में आएगा, और इसके अलावा जो दूसरे वाले जो है वो 400 रुपीज़ पैर में आएगा, ब्लैक वाले। तो यही डिफरेंस है उनमें। हाँ, ये अलग टाइप से आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको नजर आएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जेड ब्लैक है और वो नॉर्मल है, बराबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, प्लैटिनम रेड आइज शार्क है और एक ब्लैक शार्क है उसके अंदर। तो कितने तक मिलेगा अरे भैया? आप अगर पैर में लेना चाहते तो 500 रुपीज़ इंच के हिसाब से मिलता है ये, 1000 रुपीज़ समथिंग आपको पैर में पड़ जाएगा, ये बड़ी साइज है मोस्ट। अरे भैया ये वाला कौन सा फिश है? ये वाला फ्लेमेंटोस बाब है। ओके, बाब का वैरायटी है। हाँ, फ्लेमेंटोस बाब रिवर में पाई जाती है, नदी की मच्छी है ये। हाँ, बट आप इसको हर मच्छियों के साथ में रख सकते हो, जैसे एग्जांपल आपने अरवाना के साथ में भी आप इसको रख सकते हो। ओके, हाँ, और इन लोग का साइज मिनिमम समथिंग एक 6-7 इंच तक का इन लोग का जाता है समथिंग साइज, बड़ी होती है। ये पैरिंग में लेंगे तो 200 रुपीज़ पैर में मिल जाता है ना। और साइज मैक्सिमम कितना होता है? 5-6 इंच का साइज होता है इन लोग का बड़ा। आपके पास में ये जो प्लांट्स भी दिख रहे हैं, बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटीज है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास में पॉट वाले प्लांट्स भी है, तो पॉट वाले प्लांट्स का कैसा प्राइस है यार भाई? मेरे पास 60 रुपये से लेके 100 रुपीज़ के रेंज में आपको पॉट वाले प्लांट मिल जाते हैं। इसके अलावा शूट में लगाने वाले और सॉइल में लगाने वाले प्लांट, स्टेम प्लांट्स भी आपको मिल जाएंगे, 100 रुपीज़ से 150 के रेंज में आपको प्लांट मिल जाएंगे। ओके यार भाई, तो यानी और आपने ग्रास भी लाया? हाँ, ग्रास बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन रहता है। तो आरी भाई, ये वाले शॉप में आप टैंक्स भी रखते हो? हाँ, ये शॉप में आपको इम्पोर्टेड टैंक्स मिलेंगे, 3000 रुपीज़ से स्टार्ट है मेरे पास टैंक, और छोटे वाले टैंक आपको 1800 रुपये से स्टार्ट है, बेबी वाले छोटे। ओके, तो समथिंग मेरे पास अभी समथिंग 4000-4500 रुपीज़, उससे बड़ा 2.5 फुट का टैंक 6,500-7,500 रुपये के रेट में भी अवेलेबल है। 1 फीट का साइज है इसका। हाँ, ये इम्पोर्टेड है, ब्लू पैक्स का टैंक है। और आरी भाई, ये वाला जो टैंक है, ये वाला 2 फीट का टैंक है, इसका डीप और चौड़ाई ज़्यादा है और हाइट भी बेस्ट है इसका, ये आपको 4500 रुपीज़ में मिलेगा। ओके, उसके साथ में आपके पास में स्टोन्स एंड वुड्स, बिगर साइज के लिए, मॉन्स्टर टैंक के लिए वुड है, ड्रिप वुड है। और थैंक यू आरी भाई, हमें अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।